वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेमस इंडियन जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की बायोग्राफी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सुचेता दलाल एक पॉपुलर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और एक राइटर हैं। उन्होंने जर्नलिज्म के प्रोफेशन में 25 साल डेडिकेट किए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का जन्म 1962 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनकी इनिशियल स्टडीज मुंबई में पूरी हुई। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर्नाटक कॉलेज से पूरी की और इसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB और LLM की डिग्री हासिल की। उन्हें स्टूडेंट लाइफ से ही बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट रहा है और जर्नलिस्ट बनने का उनका सपना था। बाद में उनकी शादी देवाशीष बासु से हुई। सुचेता ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में इन्वेस्टमेंट मैगजीन फॉर्च्यून इंडिया के साथ शुरू की। 1990 में शुरुआत में उन्होंने मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस और इकोनॉमिक्स विंग के लिए एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और उस विंग के तहत उन्होंने 1992 के हर्षद मेहता घोटाले, एनरॉन घोटाले, 2001 में कैतन पारेख घोटाले और कई केसेस की इन्वेस्टिगेशन की। हर्षद मेहता स्कैम की इन्वेस्टिगेशन ने एक्टिविज्म और जर्नलिज्म की फील्ड में उन्हें पहचान दी। जब सुचेता ने स्कैम्स को एक्सपोज करने में पुलिस की मदद की तब 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता और स्कैम में शामिल लोगों को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि 1993 में सुचेता ने अपने पति देवाशीष के साथ द स्कैम हु विन हु लॉस हु गॉट अवे नाम की एक बुक भी लिखी है और साल 2000 में AD श्रॉफ टाइटन ऑफ फाइनेंस एंड फ्री एंटरप्राइज नामक बुक भी लिखी है। सुचेता 1998 तक टाइम्स ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल एडिटर के रूप में सर्विस प्रोवाइड करती रही और उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब स्विच कर ली और एक न्यूज़पेपर कंपनी द इंडियन एक्सप्रेस में कंसल्टिंग एडिटर के रूप में काम करने लगी। बाद में 2006 में उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मनी लाइफ मैगजीन की शुरुआत की और एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। सुचेता दलाल करंटली अहमदाबाद में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्ट ग्रुप भारत में सबसे बड़े कंज्यूमर और इन्वेस्टर एडवोकेसी ग्रुप में से एक है। इसके अलावा वह कंज्यूमर सर्विसेज से जुड़ते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हैं और साथ ही कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर भी हैं। बात करें उनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की तो 2006 में जर्नलिज्म की फील्ड में इनक्रेडिबल सर्विस के लिए सुचेता दलाल को फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन के रूप में भी मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित चमेली देवी जैन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और भी कई अवार्ड से सुचेता को सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2020 में एक डॉक ड्रामा सीरीज स्कैम 1992 रिलीज हुई जो सुचेता और देवाशीष बासु की किताब द स्कैम पर बेस्ड थी। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन हंसल मेहता ने किया था जो एक इंडियन डायरेक्टर राइटर एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। सीरीज में सुचेता दलाल का किरदार श्रेया धनवंतरी ने निभाया था और इस सीरीज ने इंटरनेट पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स पाया है। तो गाइज ये थी मोस्ट फेमस इंडियन जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की लाइफ एंड करियर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।